डिफीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी वी आर एन बी आर एनी टू रियल नंबर एंड आई इज़ द इमेजनरी यूनिट। इसमें दो पार्ट्स है एक है ए और एक है बी ए हमें ए शो करता है रियल पार्ट्स ऑफ द कंप्लेक्स नंबर और बी शो करता है का इमेजनरी पार्ट ऑफ द कम्पलेक्स नंबर यहाँ पर मुख्तलिफ़ टर्मिनोलोजी चीज इस्तेमाल होती है पहले हम उसका नोटेशन फाइंड करते हैं कि कम्प्लैक्स नंबर का नोटेशन किस तरह होगी तो ए प्लस आटा बी भी लिख सकते हो या ए प्लस बी आटा बी हम लिख सकते हैं ये इंटरचेंजबल है द रियल नंबरस एंड जेड इज़ एक टू रियल पार्ट ऑफ़ द कम्प्लेक्स नंबर and b is called imaginary part of the complex number the real and imaginary part of the complex number z are abbreviated re z and im रियल पार्ट ऑफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर एब्रवेटेशन में हम किस तरह एब्रीवेट किस तरह करते हैं आर ई जेड मींस आर ई जेड का माना है कि इमेजनरी uh, और रियल पार्ट्स के नोटेशन हम किस तरह लिखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम नोट uh, करते हैं आर ई -E जेड और इमेजनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह एब्रीवेट करते हैं आई एम ऑफ जेड अगर एक ऐसा नंबर हो कि सिर्फ उसमें इमेजनरी पार्ट इन्वाल्व हो मींस रियल पार्ट्स उसका ज़ीरो हो तो हम उसको कहेंगे कि फेवर इमेजनरी नंबर मींस जेड इज इक्वल टू सिक्स आयोटा यहाँ पर फेवर इमेजनरी नंबर है। टू कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे जब जब उसके रियल्स एंड इमेजनरी पार्ट दोनों इक्वल हो मींस कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू ए वन प्लस अयोटा बी वन एंड जेड टू इज इक्वल टू ए टू प्लस अयोटा बी टू आर इक्वल मीन जेड वन एंड जेड टू आर इक्वल एफ ए वन इक्वल टू ए टू एंड बी वन इक्वल टू बी टू मीन्स मीन्ड दो कम्प्लेक्स नंबर खब इक्वल होंगे जब z1 और z2 के रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल हो. ऑफ़ द सिंबल्स हम किस तरह लिखेंगे आर ई आफ जेड एन आई एम ऑफ़ जेड हम अप्लाई करेंगे कि मीन्स z1 वन टू जेड टू कब इक्वल होंगे जब आर ई ऑफ़ जेड वन इक्वल टू आर ई ऑफ़ जेड टू एंड आई एम ऑफ़ जेड वन एक टू अब इसके बाद है आर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इस तरह हम रियल नंबर्स में टू नंबर ऐड करते हैं इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर में हम टू नंबर ऐड कर करते हैं हम किस तरह ऐड करते हैं कि हम रियल नंबर्स रियल नंबर में दो नंबर जिस तरह ऐड करते थे यहाँ पर भी हम उसको इस तरह ऐड करेंगे लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगी कि कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स है एक है इमेजनरी पार्ट और एक है रियल uh, पार्ट यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे फिर इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह करेंगे तो रियल को रियल के साथ सबट्रैक्ट करो और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सबट्रैक्ट करो फिर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू रियल नंबर्स पढ़ा था इसी तरह हम यहां पर बिल्कुल वही तरीका होगी कि uh, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ द z1 मल्टीप्लाई विद रियल

आयोटा स्क्र यहाँ पर भी आएगा तो आयोटा स्क्र की वैल्यू हमें मालूम है कि ये माइनस वन के बराबर है और इस तरह हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी आएगी इस तरह फिर इसी तरह हम डिवीज़न भी करेंगे डिवीज़न किस तरह करेंगे कि uh, z1 वन बाय बाई जेड टू इज इक्वल टू ए वन प्लस एटा बी वन एंड ए टू प्लस एटा बी टू लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि ए टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए एट अ टाइम दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे हम डी के कंजुगेट्स लेंगे कंजुगेट किसे कहते हैं कि z2 टू के साथ जेड टू में इमेजनरी पार्ट के साथ जो नेगेटिव जो साइन होती है उसको चेंज करो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कमोटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे